दोस्तों आज किस वीडियो में जानेंगे कि बैंकिंग लोकपाल योजना आखिर है क्या। पिछले वीडियो में कुछ मित्रों के कमेंट आए थे कि सर बैंकिंग लोकपाल योजना है क्या। तो दोस्तों बैंकिंग लोकपाल योजना भारतीय बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों एवं समस्याओं को सुलझाने के लिए आरंभ की गई एक योजना है। इसके अंतर्गत एक बैंकिंग लोकपाल की नियुक्त की जाती है जो एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी है। वैसे तो बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 में लागू की गई थी, लेकिन वर्ष 2002 एवं 2006 में इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए संशोधन किए गए ताकि बैंकों द्वारा स्वच्छ, पारदर्शी, भेदभाव रहित और जिम्मेदारी पूर्वक बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सकें। यह एक स्वतंत्र संस्था है जो बैंकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की निगरानी रखती है। ग्राहक किसी भी बैंक के अधिकारी व कर्मचारी की शिकायत व समय से सेवाएं न मिलने पर बैंकिंग लोकपाल को शिकायत डाक, ईमेल, ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। निःशुल्क की जाने वाली इस शिकायत का निस्तारण 30 दिन के अंदर किया जाता है। ग्राहक की सुविधा व बैंकों में पारदर्शिता लाने के लिए यह योजना संचालित है। बैंक ग्राहकों द्वारा बैंकिंग सेवाओं में पाई गई कमियों के संबंध में अपनी शिकायतों के समाधान हेतु उन्हें कम खर्च वाला मंच प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुख्यतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर भी लागू करके इसका विस्तार करने में संशोधित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक क्षेत्र में ग्राहकों की शिकायतों जैसे क्रेडिट कार्ड संबंधी शिकायतों, बैंकों के सेल्स एजेंटों द्वारा वचनबद्ध सेवाएं प्रदान न करने और बैंकों द्वारा वचनबद्ध को पूरा न करने, ग्राहकों को पूर्व सूचना दिए बिना सेवा प्रभार लगाने तथा छोटे मूल वर्ग के नोट व सिक्के स्वीकार न करने या छोटे मूल वर्ग के नोट स्वीकार करने हेतु कमीशन लेने के संबंध में शिकायत कर सकेंगे।